नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखेंगे जो ये हमारे फूल होते हैं पूजा में, जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो फूल पूजा में सूखने के बाद हम लोग उसको कहीं सिराने जाओ, क्या करें क्या ना करें। तो सबसे बढ़िया इसका है कि पूजा के फूल सेफ भी रहें, तो हम इसके लिए इसकी हम बहुत अच्छी धूप बत्ती बना सकते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा कपूर और थोड़ा चंदन पाउडर, थोड़ा सूखे हुए जो उन फूलों को हम सुखा लेंगे वो, और जो ये नारियल का जो छिलका होता है वो, और लकड़ी का जो बरूदा होता है वो, इन चीज़ों को, और थोड़ा सा देसी घी। तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, धूप बत्ती बनाने से पहले हमें थोड़ा सा जो ये फूल है इन फूलों को, और या लकड़ी का जो बुरादा है आप वो ले सकते हैं, या आप जो नारियल का बुरादा है वो ले सकते हैं, लेकिन उनको हमें बनाने के लिए धूप बत्ती, उनको थोड़ा सा सबसे पहले हमें मिक्सी में उसको अच्छे से पीस लेना है, और पीसने के बाद उसको हम छान लेंगे। तो देखिए इस टाइप से हमने देखो फूलों को छान लिया है, और जो जो ये मोटा मोटा जो हमारे पास ये जो बचा हुआ है इसका बुरादा जो हल्का बारीक है, इसी से हम उसका पेस्ट बनाएंगे। और इसी में आप चाहें तो आप नारियल का बुरादा मिला सकते हैं या लकड़ी का बुरादा मिला सकते हैं, आपके पास जो भी उपलब्ध है वो आप मिला सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने लिया है लकड़ी का बुरादा, और अब इन चीज़ों को मिलाने के लिए हमने थोड़ा सा इसके अंदर हम आटा भी मिला लेंगे, और मिलाने के बाद अब हम इसका जैसे आटा मारते हैं उस टाइप से इसको हम मिला लेंगे। और हमें खुशबू के लिए ये देखिए हमने इसमें क्या लिया है, थोड़ा सा कपूर, कपूर को हमने अच्छे से बारीक से पीस लिया है। कपूर आप ऐसी लीजिए जो बढ़िया से अच्छी खुशबूदार हो, ताकि हमारी धूप बत्ती में बढ़िया से भीनी भीनी खुशबू आए। और ये धूप बत्ती बनने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबूदार होती है। और इसमें कलर करने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा चंदन पाउडर, इससे हमारा इसमें अच्छे से कलर आ जाएगा और खुशबू भी रहेगी धूप बत्ती में। तो इसके लिए हमने ये देखिए अब इसको मिलाने के बाद हम इसको जो घी वगैरह है आप हमने तो देसी घी रखा है अपना वो ले लिया, ये देखिए देसी घी, तो हमने ये थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं इसके अंदर, इसको मिला रहे हैं। बट इसमें घी थोड़ा लगता ज़्यादा है क्योंकि पानी नहीं डाल रहे हम इसमें। इसमें बहुत ही अच्छी उसकी खुशबू आएगी, जो कपूर है और फूलों की खुशबू अलग ही है। चंदन पाउडर भी हमने इसमें मिला लिया, देसी घी भी मिला लिया, और इन चीज़ों को मिला के और जो बढ़िया से हमारा जो पेस्ट है इसको, ये देखिए हमने पेस्ट बना रहे हैं इसको बढ़िया से, आटा इसको टाइप का इसको मार रहे हैं। थोड़ा सा हमें आटा डालना है इसमें ताकि ये अच्छे से मर जाए। अब इसको मिलाने के बाद ये देखिए हमारा इस टाइप से ये आटा जो हमारा ये जो पाउडर है मिल के इस टाइप से हमारा तैयार हो गया है। और अब मिलने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें कोई पतला सा, हमारे पास ये पैन पड़ा हुआ है पैन का वो ले लिया हमने, या कोई आपके पास अच्छा सा कोई पतला सा लंबा सा पाइप हो टाइट, तो उसमें इसको पेस्ट को हमें अंदर भर लेना है। और भर लेने के बाद और सिंपल सा हमें कोई भी हमारे पास कील है या कोई भी जो भी आपके पास है वो आप इससे इस टाइप से धूप बत्ती इसकी बना सकते हैं। और इसकी धूप बत्ती बनाने के लिए जब हमारा ये देखिए हमने ये धूप बत्ती अपनी इस टाइप से तैयार कर लिया, बस हल्का सा हमें इसमें पाइप में पानी भरना, वो जो इसका पेस्ट है इस टाइप से भरना है। और अगर ऐसे आपको मुश्किल लगता है तो आप इस टाइप से अपने हाथ से भी आराम आराम से इसको, ये देखिए हमने अपने हाथ से बना दिया धूप बत्ती। तो जो भी आपको आसान लगे आप इस टाइप से इसकी धूप बत्ती बना सकते हैं। और धूप बत्ती बन जब आपकी बन जाए पूरी तैयार हो जाए, तो तैयार होने के बाद इसको आपको फ्रिज वगैरह में रखना है, क्योंकि ये देसी घी है इसमें पानी है नहीं, तो इसको हमें धूप में ना रखना, ताकि ये धूप में रखेंगे तो वो घी पिघल जाएगा, धूप बत्ती सूखेगी नहीं। तो इसको आपको फ्रिज में रख देना है या पंखे के नीचे रख देना है, और जब ये सूख जाए तो आप इसका जब भी आपको मन करे अच्छा सा बढ़िया सा आपको खुशबू आपको घर में फैलानी हो बढ़िया से, तो आप इसको एक धूप बत्ती लीजिए और आराम से जला दीजिए। और जलाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपके घर में खुशबू आने वाली है, और जितनी भी आपके घर की नेगेटिविटी है वो ज़्यादातर आपको लगेगा कि बिल्कुल आप फ्रेश महसूस करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी धूप बत्ती बनती है। बस तो आप भी ये ऐसी धूप बत्ती अपने फूलों से बची हुई जो भी आपके फूल बचे हैं उनसे धूप बत्ती बनाइए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।